आज है बैसाख पूर्णिमा अर्थात बुध पूर्णिमा। हम आज आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म में क्यों खास है यह दिन। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बौद्ध धर्म में इस दिन को बुध पूर्णिमा या बुध जयंती कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध को जो है 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब वह जो रात्रि था वह बुध पूर्णिमा अर्थात बैसाख पूर्णिमा की ही रात्रि थी। और तीसरा संयोग यह होता है इस दिन का कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था, तब वह भी दिन बैसाख पूर्णिमा का ही दिन था। तो महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका धर्म जो है, जिनका ज्ञान जो है पूरा दुनिया में जो है फैला और लोगों जो है उनके धर्म को जो है उनके शिक्षाओं को अपनाया। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुदोधन था। महात्मा बुद्ध को जो है कई नामों जैसे गौतम, अरहत, बुद्ध, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने समाज में फैले कर्मकांडों, पशु बलि, छुआछूत, जात पात तथा विभिन्न कुप्रथाओं का विरोध किया तथा एक नए समाज की स्थापना की। इन्होंने जात पात तथा छुआछूत को मिटाकर सामाजिक समानता की स्थापना पर जोर दिए। आइए हम सभी मिलकर बुध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आप सभी को पुनः बुध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।